तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज के आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने एम्बुलेंस के बारे में। जैसे कि मैं जानता हूँ आप सब कि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, एम्बुलेंस चलाता हूँ, तो एम्बुलेंस के बारे में और एम्बुलेंस लेके हम कहाँ कहाँ घूमते हैं उस बारे में आपको एक वीडियो के जरिए आप सभी को सामने रखूँगा। तो बात है कि एम्बुलेंस के अंदर आपने सोचा होगा कि या देखा होगा कि एम्बुलेंस के अंदर आखिरकार, या फिर आपने एम्बुलेंस में सफ़र भी किया होगा, तो आप कभी ना कभी तो आपके मन में आया होगा कि आखिरकार एम्बुलेंस के अंदर होता क्या है। तो आप सबको यही चीज़ दिखाना है कि एम्बुलेंस के अंदर क्या होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर, मिलते हैं इंट्रो के बाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्बुलेंस के अंदर का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो होता है एक छोटा सा सिलेंडर होता है, ये एक्चुअली में हम शिफ्टिंग करने के लिए रखते हैं। ये जब भी कोई पेशेंट को हम यहाँ से किसी ऐसे बाहर एम्बुलेंस से बाहर लेके जाते हैं या तो फिर गाड़ी से उतर के हॉस्पिटल में लेके जाना होता है, तो उस टाइम हम यही सिलेंडर का यूज करते हैं। और इसमें ऑक्सीजन ही होता है नॉर्मल, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं मॉनिटर की। तो ये है मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होता है कि पेशेंट का बीपी और पेशेंट का सैचुरेशन वगैरह मॉनिटर में मेंटेन होता है। उसमें ही शो होता है कि पेशेंट का कितना सैचुरेशन है, सैचुरेशन मीन्स पल्स रेटिंग और बीपी रेटिंग, और यही सब चीज़ें जो है ये मॉनिटर शो करता है। मॉनिटर के अंदर ईसीजी चेस्ट लीड होता है और फिंगर कफ होता है और बीपी कफ होता है। और एक चीज़ होता है मॉनिटर के अंदर, काफ़ी सारे ऐसे, ये जो मॉनिटर है ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण रहता है एक एम्बुलेंस हो या हॉस्पिटल हो। अब बात करते हैं सिरिंज पंप की। तो सिरिंज पंप जो होता है वो होता है दो सिरिंज पंप होता है। एक्चुअली में कभी कभी एक पेशेंट को दो या तीन चार का जरूरत भी पड़ जाता है, बट हम लोग इमरजेंसी के लिए दो ही रखते हैं क्योंकि दो में हम काम चला सकते हैं। तो ये सिरिंज पंप जो होता है, अगर कोई पेशेंट को बड़े सिरिंज जैसे कि इंजेक्शन के द्वारा, क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को हम लिक्विड फॉर्म में सिरिंज पंप में अगर कोई चीज को हम पेशेंट को लिक्विड फॉर्म में अगर उसे टाइम पे अगर एक घंटे पे 10 ml देना है या 5 ml देना है या 20 ml देना है, तो हम वो सिरिंज के अंदर भरेंगे और इस मशीन में टाइम फिट करके उस पर सेट कर देंगे। तो वो मशीन जो है वो पेशेंट को उतना ही उसके अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा जितना कि टाइम में सेटिंग होगा एक घंटे के अंदर। अब बात करते हैं, ये है सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज, ये है वेंटिलेटर। ये वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर में आप सबको पता ही होगा कि वेंटिलेटर क्या होता है। जब बहुत ही पेशेंट सीरियस हो, जब बिल्कुल ही हालांकि 80% पेशेंट ना हो और 20% ही हो, तब यूज होता है वेंटिलेटर का। वेंटिलेटर में क्या होता है कि वेंटिलेटर में डायरेक्टली हम यहाँ से पाइप जो है वो या तो एक बार तो यहाँ से होता है या फिर एक तो डायरेक्ट होता है इंट्यूबेशन करके, बट वो पाइप जो होता है पेशेंट को, तो वो जो पाइप होता है वो देने के बाद में वो डायरेक्ट वेंटिलेटर उसे क्या करेगा, पेशेंट को सांस या फिर उसे वो लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वेंटिलेटर उसके अंदर सांस देगा भी और लेगा भी, बट वो टाइम के हिसाब से कि वो डॉक्टर्स जो है वो इसमें सेटिंग करते हैं। ये वेंटिलेटर होता है। अब बात करें ये नीचे वाले का, तो ये होता है सक्शन मशीन। ये सक्शन मशीन है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अगर समझ लीजिए कुछ अटक गया गले पे या फिर कई बार सांस ले नहीं पाते बिकॉज इसके अंदर कफ वगैरह और बहुत कुछ, गले जाम हो जाना, नाक जाम हो जाना, तो इसका एक ट्यूबिंग रहता है, ये चालू करके वो ट्यूबिंग को अगर पेशेंट का अंदर डाला जाएगा तो वो ट्यूबिंग वहां से जो है वो चीज को सक्शन कर लेता है, मीन्स उसे खींच लेता है और उसका वो जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो उससे उसके लिए सांस लेना या फिर उनके लिए थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है, ताकि वो लोगों से बात भी कर सकता है। कई लोग तो ये देने के बाद बात भी करने लग जाते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये जो है, ये चार पांच मशीन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है, स्पेशली एक कार्डियक एम्बुलेंस में। तो हमारे पास जो है गाड़ी वो कार्डियक एम्बुलेंस है, इसमें बिग डॉक्टर गाड़ी रहता है ये। तो इसमें एक ICU में जो मशीन अवेलेबल होगा वो आपको इस गाड़ी में अवेलेबल हो सकता है, मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये बीपी का। ये तो नॉर्मल आप सबको पता होगा ये बीपी मेजरमेंट मशीन है, और ये है सबसे जरूरत वाला चीज। आपको बता दूं कि ये हार्ट अटैक आने पे जब शॉक दिया जाता है ना, वो यही है। हालांकि इसे मैं खोल के दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि खोल के दिखाने के लिए एक मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा,
बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, तो मैं ये खोल के आपको एक नए वीडियो में दिखाऊंगा। बट ये हार्ट अटैक में किस तरीके से शॉक देते हैं वो सब एक नए वीडियो में बनाऊंगा। पर ये है डिफिब्रिलेटर, जो हार्ट अटैक आने पे एक पेशेंट को लास्ट यही काम का आता है, उसे शॉक दिया जाता है। अगर टू टाइम में वो रिकवर हो गया तो हो गया, वरना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि वेंटिलेटर से नीचे, ऐसा तो है कि कई बार पेशेंट बहुत ही अनकॉन्शियस रहता है पर डायरेक्ट वेंटिलेटर लगा नहीं सकते, क्योंकि वेंटिलेटर लगाने के लिए बहुत इंट्यूबेशन करना पड़ता है, जो बहुत ही रिक्स भरा काम होता है एक पेशेंट को लगाने के लिए, और स्पेशली एम्बुलेंस में। तो वो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं कि फर्स्ट जो है ये ट्राई करते हैं, ये एक बाईपैप मशीन रहता है, ये पेशेंट के अंदर कुछ नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्टली मुंह पे ही पैक हो जाता है ये, और मुंह से प्रेशर जाएगा और फिर मुंह से ही वह प्रेशर वापस खींच भी लेगा। तो ये बाईपैप मशीन है, ये भी इसके बारे में भी खोल के पूरा रिव्यू दूंगा, तो हर चीज का एक अलग ही वीडियो बनेगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, और भी आपको इस अंदर का बातें बताएंगे कि एम्बुलेंस के अंदर होता क्या है। आइए, ये ड्रॉअर है, इसमें फर्स्ट एड वगैरह रहेगा, इसमें सिरिंज रहेगा, इंजेक्शन वगैरह, ये ऐसे बड़े बड़े सिरिंज भी रहता है ताकि वो सिरिंज पंप जो है उसमें इसमें मेडिसिन या फिर कोई लिक्विड डाल के फिर वो उसमें से पेशेंट को इसके द्वारा दिया जाता है। ये 50 ml का रहता है और इसके अंदर सिरिंज है सब, जरूरत जैसी चीजें यहाँ पे इमरजेंसी, जैसे ये बाईपाइप का एक मास्क रहता है, ये बाईपाइप मास्क रहता है जो मैंने आपको कहा था इस मशीन में लगता है, तो ये डायरेक्टली मतलब पैक हो जाता है सेट पे लगा के, और ये डायरेक्ट प्रेशर मतलब ऑक्सीजन के साथ ही रहता है, ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट आपने लगा दिया, पर इसमें ऑक्सीजन अलग से फिटिंग रहता है। अब बात करते हैं दूसरे ड्रॉअर का, तो इसमें आपको मिल जाएगा जैसे डायबिटीज चेक करने जैसा मशीन, साइलेंट इमरजेंसी के लिए बहुत NS वगैरह, और भी बहुत सारे ऐसे ब्लीडिंग हो गया DNS, और भी O2 मास्क वगैरह, ऑक्सीजन के लिए मास्क चाहिए, ऑक्सीजन को O2 कहा जाता है एक्चुअली में, और ये सिरिंज है, और IV का जो सेलिन वगैरह लगाने के लिए IV का सेट वगैरह रहता है, ये सब है। डायबिटीज चेक करने का मशीन है यहाँ पे, ये शुगर वगैरह डायबिटीज चेक करने का मशीन है, तो ये सब चीज़ें कार्डियक एम्बुलेंस में आपको मिल जाएगा। और भी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये नेबुलाइजर वो होता है पेशेंट को एक स्टीम जैसा देना, और अगर उनको कॉफ वगैरह होता है या फिर और कुछ ऐसा, तो उसको नेबुलाइजर से ही स्टीम दिया जाता है, और एक वो भी एक इमरजेंसी के लिए काम आ सकता है, बट ज़्यादातर वो क्लिनिक में काम आता है। कार्डियक एम्बुलेंस में अगर इतने सारे ऑप्शन हो तो बहुत बाद में ही यूज किया जाता है, अगर नॉर्मल कोई बात हो तो वो तभी वो मशीन जो है नेबुलाइजर वो यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे डॉक्टर साहब के जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे डॉक्टर साहब का ये है स्टेथोस्कोप, जैसे कि आप सबको पता होगा चेक करने के लिए, हमारे डॉक्टर साहब इससे चेक करते हैं, ये डॉक्टर साहब का एप्रोन है जो पहनते हैं उनका ड्यूटी के टाइम पे, और गाड़ी में ये जो लाइट जरूर एक्चुअली में लाइट इसमें एक्स्ट्रा रहते हैं, देखो आप एम्बुलेंस में, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी से छोटा छोटा चीज़ों जो है छोटा छोटा चीज़ को दिखाना रहता है एम्बुलेंस के अंदर, कि कुछ अगर आप कहीं कोई पेशेंट का कुछ ऐसा सर्जरी वगैरह छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, आपको बहुत बारीकी से देखना भी बहुत ज़रूरी रहता है, तो लाइट का इसमें कोई कमी नहीं रहता एम्बुलेंस में, लाइट बहुत सारे अंदर दिया रहता है, स्पेशली कार्डियक एम्बुलेंस में। अगर बेसिक हो तो उसका उसमें लाइट नहीं है, पर बेसिक एम्बुलेंस के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस और भी है, हम उस वो एम्बुलेंस बुला के एक बार अलग से वीडियो बना के आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। अब बात करते हैं इस एम्बुलेंस में नॉर्मली एक टाइम होता है, टाइम देखने के लिए जब गाड़ी चलेगा तो घड़ी भी चलता है, और AC होता है, 4 पंखा होता है, ताकि अगर AC नहीं चाहिए पंखा चाहिए तो पंखा हो जाएगा, इसमें फुल कम्फर्टेबल ये कार्डियक में होता है, एक कार्डियक एम्बुलेंस जो है उसमें हर चीज का छोटा मोटा चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, कि ICU हॉस्पिटल में मीन्स आप समझ सकते हो हॉस्पिटल का एक ICU और एक चलता फिरता ICU है। बात करें आपको यहाँ का, यहाँ पे क्या होता है, इसके जो नीचे है ना, इसके नीचे सिलेंडर रहता है बड़ा वाला ऑक्सीजन का, कम से कम 60 लीटर का सिलेंडर रहता है। ये जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्ट पेशेंट को यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, या तो फिर वेंटिलेटर में देना हो तो भी यहाँ से देते हैं, बाईपाइप में देना हो तो भी यहाँ से देते हैं, तो ये जो है ये दो कनेक्शन मेन है ऑक्सीजन सप्लाई का,
इसके अंदर बड़ा सिलेंडर है, जंबू सिलेंडर है, वो सिलेंडर भी आपको दिखाऊंगा। और अगर कुछ जैसे कि कोई इसमें यूज होने वाले जरूरतमंद चीजें जैसे कि सीरीज वगैरह हो गया तो हम उसे ऐसे भी जहां तहां कहीं भी फेंक नहीं सकते, तो हम उसके लिए एक डस्टबिन भी रखते हैं। तो यूज किया हुआ चीज आप इस डस्टबिन में फेंक सकते हैं। और काफी सारे आपने जानकारी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि एम्बुलेंस के अंदर आखिर होता क्या है। तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप बात करें आपको सिलेंडर की, तो चलिए सिलेंडर दिखाते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम, जो हम कहा था कि एक बड़ा सिलेंडर होता है गाड़ी में जिसमें बहुत सारे ऑक्सीजन होता है, कम से कम 60 लीटर ऑक्सीजन होता है, जो बहुत या तो वेंटिलेटर में जब यूज होता है पेशेंट, या फिर तभी हम ये सिलेंडर को यूज करते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा सिलेंडर होता है, यहाँ से लेके वहाँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ऐसे ही आप लोगों का प्यार भी बनाइए रखें। आगे जाके आपको हर एक चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। अभी मैं हूँ नवी मुंबई तैरना हॉस्पिटल पे, तो हॉस्पिटल के बारे में भी अलग अलग रिव्यूज़ दिखाऊंगा आपको, एक एक वीडियो बनाऊंगा, पेशेंट को किस तरीके से शिफ्ट करना और हर एक चीज़ का बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ आपका प्यार बनाए रखिएगा अपने भाई के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और तो आपसे, आप सभी से विदा चाहूँगा, मिलते हैं किसी एक और वीडियो पे।